हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू प्रीपोजिशंस एंड इन प्रीपोजिशन नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू विद प्रीपोजिशन। मैं प्रीपोजिशंस पढ़ा रहा हूं और प्रीपोजिशंस में अब मैं विद को पढ़ा रहा हूं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद, विद का क्या मतलब है एंड हाउ वी यूज इट, हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी फायदा हो सके। ओके, देयर आर टू मीनिंग ऑफ विद, विद के दो मतलब है। एक विद का मतलब होता है से, सेकंड विद का मतलब होता है के साथ। ओके, विद का मतलब से और दूसरा विद का मतलब है के साथ। से का मतलब है यदि किसी औजार को, टूल को हम यूज ले रहे हैं तो उस टूल से पहले, उस औजार से पहले विद का यूज किया जाता है। जैसे विद ए नाइफ, चाकू से, विद ए पेंसिल, पेंसिल से, विद ए पेन, पेन से, विद पिस्टल, पिस्टल से, विद ए स्टिक, लाठी से, विद के बाद औजार, औजार को यदि हम यूज ले रहे हैं तो औजार से पहले क्या यूज होता है, विद। से अर्थ में जैसे विद पेंसिल, इसका मतलब पेंसिल से, विद पिस्टल, पिस्टल से, विद स्टिक, लकड़ी से। जैसे सेंटेंस बता रहा हूं, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद ए स्टिक, बुढ़ा आदमी चल रहा था विद ए स्टिक, स्टिक से। ओके, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी लिख रहा है विद ए पेन, पेन से। आई कट द वेजिटेबल विद ए नाइफ, मैंने चाकू से सब्जी काटी, विद ए नाइफ का मतलब चाकू से। तो विद का मतलब होता है से, यदि किसी साधन या किसी टूल औजार को हम यूज लेते हैं तो उस साधन या उस औजार से पहले विद का यूज किया जाता है से अर्थ में। ओके, विद का एक मतलब होता है से, किसी साधन से पहले यूज होता है, किसी औजार से पहले यूज होता है। ओके, सेकंड विद का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ कार्य हो तो। जैसे He goes to market with his girlfriend. Okay, she came with her boyfriend. Okay, with का मतलब के साथ, किसी के साथ कार्य हो तो उससे पहले with का यूज किया जाता है। Okay, here are examples, यहां उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनको देखिए, पढ़िए और लिखिए। Okay, He killed a snake, उसने सांप को मारा, with a stick, स्टिक से। अब यहां देखो स्टिक क्या है, एक प्रकार का टूल है, औजार है सांप को मारने का। तो सांप, इस स्टिक से पहले किसका यूज होगा, विद। यदि किसी चीज को हम औजार के रूप में यूज लें तो उससे पहले विद यूज होगा। ओके, विद ए स्टिक, विद ए पेन, विद ए पेंसिल, विद ए पेन, पेन से, पेंसिल से। ओके, ही किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, उसने लकड़ी से सांप को मारा। सुरेश गोज टू मार्केट, सुरेश गोज, सुरेश जाता है, टू मार्केट, मार्केट, सुरेश गोज टू मार्केट, सुरेश मार्केट जाता है, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। यहां विद का मतलब के साथ, किसी के साथ कार्य कर रहा है, जाने कार्य किसके साथ, वाइफ के साथ। ही वर्क्स विद हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ कार्य करता है। आई आई गोज टू फेयर विद माय अंकल, मैं मेले में मेरे अंकल के साथ जाता हूं। तो कहने का मतलब किसी के साथ कार्य कर रहा हो तो उससे पहले विद का यूज करता है, विद हिज वाइफ, विद माय अंकल, विद माय पेरेंट्स। ओके, विद का मतलब के साथ, किसी के साथ कार्य कर रहा है। तो थर्ड सेंटेंस, इट्स द हाउस, यह घर है,
विद द रियली बिग गेट्स, वास्तव में ही बड़े गेट्स के साथ। यहां देखो घर किसके साथ, गेट्स के साथ। यदि कोई चीज किसी से जुड़ी भी हो, एक साथ हो, तो उसके लिए विद यूज किया जाता है। जैसे ही फॉर्म्ड द टीम विद गुड प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स उसने टीम बनाई, तो वो पार्ट्स के रूप में है। द मशीन इज वर्किंग विद इट्स पार्ट्स, मशीन है वो अपने पार्ट से कार्य कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट, मेरे माता पिता स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं विद मी, मेरे साथ, मेरे से वो बड़े सख्त हैं। यदि किसी के साथ यदि कार्य हो रहा है तो विद का यूज होगा, जैसे ही एग्रीज विद मी, वह मेरे से एग्री है। सी डिसअपॉइंटेड विद हिज पेरेंट्स, विद हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स से डिसएग्री है। तो कहने का मतलब है विद का यूज दो तरीके से होता है, एक तो औजार से पहले और दूसरा विद का मतलब किसी के साथ कार्य हो तो विद यूज होता है। जिसके साथ कार्य हो उससे पहले विद यूज होता है, दूसरा किसी औजार से पहले विद का यूज होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विद, मुझे आशा है कि तुमने विद के यूज को समझा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।